दोस्तों बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पैसे कमाने के लिए YouTube और Facebook ये दोनों ही प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। एक्चुअल में अगर आपको पैसे कमाने हैं ऑनलाइन से तो इससे बहुत बेटर प्लेटफॉर्म्स हैं। एंड इससे बड़ी एक और चीज कि आपको हर वक्त किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत ही क्यों पड़ती है जब आप ऑनलाइन से अर्निंग करना चाहते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अदर्स प्लेटफॉर्म्स का यूज करके ऑनलाइन से अर्निंग कर सकते हो एंड किस तरह से बिना किसी प्लेटफॉर्म का यूज किए भी आप ऑनलाइन से अर्निंग कर सकते हो। देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर अदर्स प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो सबसे पहले आता है इंस्टाग्राम। जी हाँ दोस्तों, आपको ये चीज पता होगा कि आप इंस्टाग्राम से काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। इसका शर्त क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको अच्छे फॉलोअर्स चाहिए। जब आपके पास फॉलोअर्स, हाँ सही वाले फॉलोअर्स, कहीं फेक मतलब वो खरीदे हुए फॉलोअर्स नहीं, जो फॉलोअर्स आप खुद गेन करोगे अपने वीडियोस को अपलोड करके, आपको वैसे फॉलोअर्स चाहिए। वो जब आपके पास वैसे फॉलोअर्स हो जाएंगे दोस्तों तब आप इंस्टाग्राम से काफी अच्छा अर्निंग कर सकते हो। हाँ मोनेटाइजेशन अभी उतना ज्यादा इंस्टाग्राम का अच्छा नहीं है, लेकिन आप जो अदर्स तरीके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे बड़ा है वह स्पॉन्सरशिप, आप दोस्तों उससे अर्निंग कर सकते हो। जो दूसरा है वो है दोस्तों आप जो स्टोरी प्रमोशन होता है वो कर सकते हो, उससे भी दोस्तों आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे तरीके ढूंढ सकते हो। जब आपके पास फॉलोअर्स होंगे तब आपके पास दोस्तों ऑप्शंस बहुत ज्यादा होंगे ऑनलाइन से अर्निंग करने का, स्पेशली इंस्टाग्राम से अर्निंग करने का। जहां पर आपका फॉलोअर्स होगा आप दोस्तों वहीं से अर्निंग कर पाओगे। तो ये है इंस्टाग्राम का एक प्लस पॉइंट। इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, सिर्फ रील्स अपलोड करो, अच्छी अच्छी फोटोज अपलोड करो। फोटोज से तो एक्चुअल में रील्स ही बेटर है। अगर आप अच्छी रील्स अपलोड कर रहे हो तो नो डाउट कि आप बहुत ज्यादा फॉलोअर्स बहुत ही कम टाइम में गेन कर लोगे इंस्टाग्राम पर। एंड फिर क्या, आपको जब आपके पास जब फॉलोअर्स हो जाएंगे एंड आप जब अच्छे खासे पॉपुलर हो जाओगे तब दोस्तों, एंड उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें सालों लग जाएंगे, जी नहीं, अगर आप रेगुलर 3-4 रील्स अपलोड करोगे ना, एक महीना, जी हाँ दोस्तों इंस्टाग्राम के लिए एक महीना इनफ है आपको अच्छे खासे फॉलोअर्स गेन करने के लिए। उसके बाद आप इजीली बहुत सारे तरीके से अर्निंग कर सकते हो इंस्टाग्राम से। ये रहा इंस्टाग्राम की बात। जो दोस्तों इसके बाद बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं। अब फ्रीलांसिंग का नाम सुनकर सबको यही लगेगा मतलब हम फाइबर की बात कर रहे हैं, यहां पर काम मिलना बहुत मुश्किल है, यहां से हम काम नहीं कर सकते। दोस्तों फ्रीलांसिंग का मतलब फाइबर नहीं है, फ्रीलांसिंग का मतलब fiverr.com नहीं है। फ्रीलांसिंग मतलब ऐसे काम जो आप खुद से करना चाहते हो किसी और के लिए। आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हो कि तू मेरे पास एक महीना रह जा एंड मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा, 20,000 रुपए दूंगा, ये होता है जॉब, ये फ्रीलांसिंग नहीं है। फ्रीलांसिंग क्या है, आप किसी को अप्रोच करोगे कि मैं आपके लिए ये काम कर दूं, इसके बदले आप मुझे इतना पैसा दोगे, ये होता है दोस्तों फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग में दोस्तों आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, अनलिमिटेड ऑप्शन है, आपको सिर्फ एक बार यहां पर आना होता है और आकर अपना मतलब कुछ एक सबसे पहले जो आपको करना होगा एक अच्छा स्किल लेके आओ। काम कैसे मिलेगा वो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले आपको क्या चाहिए काम के लिए वो बता रहा हूं। देखिए आपको एक अच्छा स्किल चाहिए होगा। सबसे इजी जो टारगेट होते हैं दोस्तों वो होता है यूट्यूबर्स। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले यूट्यूबर्स को ही टारगेट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इजी टारगेट होता है। जैसे यूट्यूबर्स के पास वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं होता, उनके पास थंबनेल बनाने का टाइम नहीं होता, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं इनके पास स्क्रिप्ट लिखने का टाइम नहीं होता, या बहुत कुछ आप वहां पर एक वीडियो के अंदर दोस्तों बहुत कुछ होता है। उसमें से किसी एक चीज को अगर काफी अच्छी तरह से सीख लो, चाहे वो कुछ भी हो, वो थंबनेल मेकिंग हो, वो वीडियो एडिटिंग हो, कुछ भी हो, अगर आप उसको अच्छी तरह से सीख जाओगे तो एक यूट्यूबर आपको अच्छा खासा पेमेंट कर सकता है। इनफैक्ट जितना आप खुद के यूट्यूब चैनल बनाकर अर्निंग करोगे ना, उससे कहीं ज्यादा पेमेंट आप एक अच्छी स्किल को अच्छी तरह से सीख कर अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों यहां पर एक और चीज ध्यान रखने वाली है कि यहां पर सीखना मतलब सीखना, चीटिंग नहीं। जैसे मुझे ही आज ही एक मेल आया था जहां पर एक भाई ने मुझे मेल किया एंड उन्होंने 3 मुझे थंबनेल्स के सैंपल दिए एंड बताया कि वो मेरे लिए थंबनेल बना सकते हैं। जब दोस्तों मैंने उसको देखा तो मैंने क्या देखा पता है, मैंने देखा कि उन्होंने जो 3 थंबनेल्स, मैं आपको यहां पर स्क्रीनशॉट लगा के दूंगा, उन्होंने जो 3 थंबनेल्स दिए थे मुझे, वो तीनों ही दोस्तों उन्होंने कैनवा से डाउनलोड करके मुझे दिया था। अब जाहिर सी बात है मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया,
क्योंकि कैनवा से तो डाउनलोड मैं भी कर सकता हूँ ना, तो इसमें आपने स्पेशल किया, मतलब आपने क्या स्पेशल किया? आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कैनवा पे गए, कुछ डाउनलोड किया एंड मुझे भेज दिया कि मैं आपके लिए ऐसे थंबनेल्स बना दूं। जी नहीं, वैसे थंबनेल्स मैं खुद बना सकता हूं। मुझे क्या चाहिए, जिसको देखकर अगर वो मेल मेरे पास आया होता एंड जिस मेल को देखकर अगर मुझे लगता अरे भाई ये होता है थंबनेल, इससे तो मेरे व्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो क्या होता, मैं उनको तुरंत के तुरंत रिप्लाई करता, हम बात कर लेते। तो ये होता है दोस्तों चीजें आप कैसे काम करोगे। लेकिन जैसे इन्होंने किया, कैनवा से डाउनलोड करके मुझे सेंड कर दिया। अब जाहिर सी बात है उन्होंने मुझे सेंड किया, मुझे अकेले तो नहीं किया होगा, मेरे जैसे 100 यूट्यूबर्स को शायद कर दिया होगा। अब उनको किसी का रिप्लाई नहीं आएगा क्योंकि सबको पता है कि भाई वो कैनवा से डाउनलोड किया हुआ है, सबको पता है कि वो चीज तो मैं भी कर सकता हूं, इवन उनसे बेटर भी कर सकता हूं। सो मैं इसी काम के लिए उनको पैसे क्यों दूं? तो अगर आप ये गलती कर रहे हो, कहीं से कुछ उठाकर किसी को दे रहे हो एंड सोच रहे हो कि मैं इससे पैसे कमा लूंगा, नहीं दोस्त, आप गलत तरीके में जा रहे हो, आप गलत रास्ते में जा रहे हो। यहां पर आप कभी भी अर्निंग नहीं कर सकते। आपको अगर मुझसे 100 रुपए निकलवाने हैं तो आपको 150 रुपए का काम करना होगा। आपको एग्जांपल मैं मेरा ही देता हूं, मेरा एक एनिमेशन कोर्स आपको पता होगा, तो एनिमेशन कोर्स का प्राइस दोस्तों अगर वही कोर्स मैं 5000 में बेचूं तो मुझे लगता है कि फिर भी कम है। लेकिन मैंने क्या किया दोस्तों, उस कोर्स का प्राइस सबसे पहले 1999 मतलब 2000 रुपए रखा था, उसके बाद दोस्तों उसको कम करके 1000 रुपए किया। तो जिन्होंने 2000 रुपए में खरीदा था उन्होंने भी कहा कि कोर्स बहुत अच्छा है, जिन्होंने 1000 में खरीदा था उन्होंने भी कहा कि कोर्स बहुत अच्छा है। एंड अभी मैं एक ऑफर के लिए मतलब एक लिमिटेड टाइम तक मैं उस कोर्स को सिर्फ और सिर्फ 395 रुपए में दे रहा हूं। अब जो लोग इसको 395 रुपए में ले रहे हैं उनको पता है कि भाई ये चीज तो 5000-10000 में भी अगर लेता तो भी मुझे अच्छा ही लगता, तो भी पैसे का नुकसान नहीं होता। ये चीज आपको भी ध्यान रखना होगा। तो मैं उसको 395 मतलब 400 रुपए मान के चलो, 400 रुपए में वो चीज दे रहा हूं जो 4000-8000-10000 रुपए की वैल्यू की भी हो तो भी लोग लेंगे। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, लोगों से पैसे निकलवाने के लिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, उनको जो प्रोडक्ट दे रहा हूं उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो यही चीज आपको भी करना है। अगर आप मुझसे 100 रुपए 200 रुपए निकलवाना चाहते हो तो आपको मुझे जो वैल्यू देना होगा वो, अगर आप मुझे 200 रुपए निकलवाना चाहते हो मेरी जेब से तो मुझे 100 रुपए का वैल्यू देकर आप वो कभी भी नहीं निकलवा सकते। मुझे 500 रुपए का वैल्यू देना होगा कि आप जो थंबनेल बना के दोगे अदर्स वो थंबनेल 300 रुपए में 400 रुपए में भी नहीं बनाएगा जो आप 200 रुपए में बना के दे रहे हो, तो मैं आपको 200 रुपए हंसी खुशी दे दूंगा। तो यही गलती बहुत सारे लोग करते हैं, सोचते हैं कि चलो इस तरह से शॉर्टकट मार लेते हैं, लेकिन शॉर्टकट में आप एक्चुअल में कोई भी स्किल नहीं सीखते हो, शॉर्टकट में आपको सिर्फ नुकसान होता है और कुछ भी नहीं। तो अगर आप भी ऐसे शॉर्टकट की ओर जा रहे हो, आप भी सोच रहे हो कि फ्रीलांसिंग मतलब ये कर लेंगे वो कर लेंगे एंड लोगों को धोखा दे देंगे, जी नहीं, फ्रीलांसिंग का मतलब उनके लिए अच्छी तरह से काम करना होता है। तो सबसे पहले आपको एक अच्छा स्किल ढूंढना होगा जिस स्किल पर आप काम करोगे एंड उस स्किल को और बेटर करते जाना है डे बाय डे, एंड फिर आप यूट्यूबर्स को अप्रोच करो। फॉर एग्जांपल थंबनेल मेकिंग या वीडियो एडिटिंग ही मान के चलते हैं, आप यूट्यूबर्स को पहले अप्रोच करो कि देखिए ये है मेरे बेस्ट थंबनेल। अब वो 3 जो थंबनेल आप किसी को मेल में भेज रहे हो, मेल आईडी तो उनका मिल ही जाएगा आपको, अबाउट सेक्शन से आपको हर एक यूट्यूबर का मेल आईडी मिल जाएगा, तो वहां पर आप मेल कर रहे हो एंड फिर 3-4 ऐसी इमेजेस भेजो, ऐसे थंबनेल्स भेजो जो आपके बेस्ट है, एक्चुअल में बेस्ट है, आप ही ने बनाया है एंड सिर्फ और सिर्फ उसी यूट्यूबर के ध्यान में रखते हुए बनाया है कि इसका कंटेंट ऐसा है, इसका थंबनेल्स ऐसे होता है, तो इसका थंबनेल में उस का जो थंबनेल का टेम्पलेट है वैसा ही बनाऊंगा, उनसे बेटर बनाऊंगा। तो ये चीज आपको करना है तभी आपको काम मिलना दोस्तों इजीली स्टार्ट हो जाएगा। फ्रीलांसिंग में अगर आप अच्छी तरह से काम कर पाए तो काम मिलने में 1 घंटा भी नहीं लगता। हाँ, काम अच्छी तरह से करना होता है। अगर टाइम पास के लिए कर रहे हो कि चलो एक बार करके देखते हैं तो वो बात अलग है, टाइम पास आप करते रहो अर्निंग नहीं होगा। तो अर्निंग के लिए दोस्तों ये एक काफी अच्छा सोर्स है, काफी बढ़िया सोर्स है। आप दोस्तों फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग सबसे पहले स्टार्ट करो यूट्यूबर्स से, उसके बाद और आगे बढ़ो एंड धीरे धीरे करते करते फाइबर तक पहुंच जाओ। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि वो वन एंड ओनली नहीं है, वो स्टार्ट आज की डेट में नहीं है। आज आप फाइबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। आज की डेट में अगर आपको फ्रीलांसिंग से अर्निंग करना दोस्तों तो क्या करना होगा पता है? देखिए, सबसे पहले आपको एक यूट्यूबर ढूंढो जिससे आप अच्छी तरह से मतलब बहुत अच्छी तरह से उनसे मिल जाओगे एंड फिर उनको क्या कहोगे कि भाई यस सर, मैं आपका थंबनेल जैसे
बना रहा हूँ वैसे ही बनाऊंगा, जो प्राइस मैं ले रहा हूँ वही प्राइस लूंगा। आप सिर्फ एक काम करो, मैं फाइबर पे या अपवर्क पे ऐसे बहुत सारे वेबसाइट होते हैं ठीक है, तो मैं वहां पर एक अकाउंट बना रहा हूँ। आप क्या करो, आप मुझे ऑर्डर जो है वहां से दे दो। इससे क्या होगा कि हाँ भले ही आपका 2% 4% कमीशन जो है वो कट हो जाए, वो फाइबर वाले लेके जाए, लेकिन क्योंकि उस यूट्यूबर ने मान लेते आपने मुझे ही अप्रोच किया, अब मैं आपको फाइबर के थ्रू ऑर्डर कर रहा हूं, तो आपने जब काम किया अब मैं आपको फाइबर पे रेटिंग दे पाऊंगा कि हाँ ये बंदा कमाल का काम करता है। तो दोस्तों जब आप 10 ऐसे यूट्यूबर्स ढूंढोगे एंड वो 10 जब आपको अच्छी अच्छी रेटिंग देंगे तो आप ऑब्वियसली फाइबर पर बहुत ऊपर जाओगे या किसी भी फ्रीलांसिंग जो वेबसाइट होती है वहां पर। हाँ इसके लिए जो कमीशन है वो तो वो लोग कट कर लेंगे, लेकिन इससे आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इससे आपका जो प्रोफाइल है वो ऊपर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मान लेते हैं आपने थंबनेल मेकिंग से स्टार्ट किया था, तो अभी आपका प्रोफाइल एक अच्छी जगह पर है, अभी आपके पास अच्छी रेटिंग्स हैं, तो अभी क्या होगा, अब अगर आपने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर दिया तो अब क्या होगा, अब जब वीडियो एडिटर्स लोग ढूंढेंगे वहां पर आकर सर्च करेंगे तो वहां पर भी आपका नाम सबसे ऊपर आ सकता है अगर आपके पास अच्छी रेटिंग हो, है ना। तो यहां पर इसके बाद आपने वीडियो एडिटिंग भी कर लिया, अब जो अदर्स चीजें हैं उन पर शिफ्ट करो एक एक करके, लेकिन एक को हाफ छोड़ के दूसरे में मत चले जाना। जो कर रहे हो पहले एक को अच्छी तरह से सीखो समझो, उसके बाद उस पर मतलब मास्टर कर लो खुद को, फिर दूसरे में जाओ। तो ये होता है दोस्तों अदर्स प्लेटफॉर्म से अगर आप अर्निंग करना चाहते हो तो ये है उनके रास्ते, ये इन रास्तों को फॉलो करके आप दोस्तों फाइवर हो गया या अपवर्क हो गया या अप टू डाउन या ऐसा कुछ साइट था तो वहां से भी आप अर्निंग कर सकते हो। मतलब बहुत जो वेबसाइट्स होती हैं वहां से अर्निंग कर सकते हो, सीधे यूट्यूबर्स से बात कर सकते हो, और भी ब्लॉगर्स अगर आप कुछ लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अच्छी टाइपिंग कर लेते हो तो आप ब्लॉगर्स से बात कर सकते हो, जो लोग ब्लॉग जो वेबसाइट बनाते हैं जो लिखते हैं ना वो वाला ब्लॉग, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो कि भाई मैं आपके लिए लिख दूं, मैं आपके लिए एक पोस्ट लिखूंगा, आप मुझे इतना फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए देना। तो ये तरीका होता है। मतलब दोस्तों अपॉर्चुनिटी जो है वो चारों तरफ है, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में फेसबुक में पड़ा है, इसीलिए दोस्तों आप यूट्यूब से फेसबुक से तो मतलब इतना ज्यादा भी कंपटीशन हो गया है कि यहां पर अर्निंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है दोस्तों। तो आपको जो लोग अभी एक बात मतलब अंदर की बात बताऊं, जो एक अच्छे लेवल के यूट्यूबर्स है ना अभी वो भी वो एक अलग रास्ता ढूंढ रहे हैं अर्निंग करने के लिए, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब का अभी अर्निंग भी कम हो गया, एक तो व्यूज डाउन हो गया है, दूसरा दोस्तों पैसे डाउन हो गया है ठीक है। जैसे मेरे ही चैनल का बात कर लीजिए, पहले मुझे 1000 व्यूज में ही $1 या 1200 व्यूज में $1 बन जाता थे, अभी मुझे दोस्तों 2000 से 2500 व्यूज लग रहे हैं $1 बनने के लिए। मतलब आप सोच सकते हो कि जब टेक में ये हो सकता है तो अदर्स में कितना डाउन जा सकता है, एंड आगे आने वाले टाइम पर और कितना डाउन हो सकता है। तो अभी से मतलब जो थोड़ा सा समझ है ना दोस्तों, वो अभी से अलग रास्ता चूज कर रहे हैं, अभी से यूट्यूब छोड़ नहीं रहे हैं, यूट्यूब को रख रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक अलग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से यूट्यूब से जब अर्निंग कम हो जाएगा तब दोस्तों वो वहां पर ज्यादा फोकस करेंगे, इंक्लूडिंग मी। मैं भी ऐसे बहुत सारी चीजें कर रहा हूं, कुछ तो आपको भी पता है, जैसे एनिमेशन कोर्स हो गया या वीडियो एडिटिंग कोर्स, मतलब वीडियो एडिटिंग कोर्स जल्दी आने वाला है, अभी तक आया नहीं है, वीडियो एडिटिंग का जो किट होता है वो हो गया, थंबनेल मेकिंग किट हो गया, 3D एनिमेशन कोर्स मेरा है, मैंने फेसबुक पर पेजेस बाय एंड खरीदने मतलब पेजेस बाय एंड सेल का जो होता है वो भी मैंने स्टार्ट किया है, ये सब तो आपको पता है। अदर्स मल्टीपल मेरे यूट्यूब पे चैनल से ये भी आपको पता है, अदर्स कुछ और चीजें कर रहा हूं जो आपको आगे जल्दी ही पता चल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं भी उसी टाइप पर मतलब उन्हीं साइट पर शिफ्ट हो रहा हूं जहां पर आपको होने के लिए बोल रहा हूं। आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि यूट्यूब छोड़ दो फेसबुक छोड़ दो, जी नहीं, यहां पर भी काम करो, लेकिन साइड में कुछ ढूंढ के रखो कि अगर बाय चांस ये नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, तो आपका प्लान बी तो कुछ होना चाहिए ना। तो वो प्लान बी के हिसाब मतलब वो प्लान बी आपका यही होना चाहिए कि हाँ हम ऑनलाइन से ही कुछ करेंगे, तो ये हम करेंगे, एंड इसके लिए हमें ये वाला स्किल सीखना होगा, इस पे मास्टर करना होगा। तो दोस्तों ये तरीका है ऑनलाइन से अर्निंग करने का, एंड आई होप आपको समझ में आ चुका है मैंने आपको क्या बोला है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, एंड हाँ हमारे वेबसाइट पर अभी बहुत ज्यादा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जाके चेक कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it like